कौन है? हेलो, यूनिवर्सल यूनिवर्सल की? बीटी जी जी मैं सुन रहा हूँ आप लोगों की बात, गौर से जी सुन रहा हूँ। क्या कहना तो चाहेंगे आप? मेरा मेरा पॉइंट ये है कि जो ना, जब किसी औरत पर जुल्म होता है, और पहले तो जो ना मैक्सिमम अनएजुकेटेड होते हैं, यानी कि घरेलू घर में बंद होते हैं, उनको एजुकेशन सेपरेट यानी कि हायर स्टडीज उनको नहीं मिलती है, एक और सेकेंड, वो सॉरी मर्द। सॉरी, एक सेकेंड यूनिवर्सल जी, मैं आपकी सॉरी बात काट रही हूँ, मगर अभी अभी हमारे सामने केस आए हैं इस्लामाबाद के, एक वो बंदे का नूर का केस आया है, और एक और वो जो भी बंदा था जिसने घुस के लड़की को और लड़के को दोनों को नंगा करवाया था, ये दोनों एजुकेटेड थे, ये दोनों पढ़े लिखे थे। नहीं, सोसाइटी में मैक्सिमम जो केसेस आते हैं उसके ताल्लुक से बात कर रहा हूँ मैं, वो रेयर होगा एजुकेटेड जो ना जिसके साथ ऐसा जुल्म हुआ। जैसा कि मॉब लिंचिंग में जो ना एक बंदा होता है, वो एजुकेशन नहीं देखा जाता, बस उसको हेल्पलेस करके जो ना उसको मारा जाता है, ऐसे कुछ सिचुएशन होगी, औरत उसमें फंस गई होगी। लेकिन मैं ये जनरल मैं बताना चाह रहा हूँ कि माशरे में, सोसाइटी में, यानी कि एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन जो ना एक बहुत बड़ा रीजन है कि औरत को एक्सप्लॉइट करने का बहुत बड़ा यानी कि ये हथियार है मर्द का। मैं आपको मर्द के तालु से, मर्द की नफसियात बता रहा हूँ। तो वो यानी कि बच्ची कंसीनिज होती है, यानी कि SSC में या इंटरमीडिएट 10+2, तो कोई ना कोई उसके पीछे उसको परस्यू कर रहा होता है, उसकी खूबसूरती हो या उसकी एजुकेशन हो या उसका फैमिली बैकग्राउंड हो, तो ये सब कुछ जो ना देखते हुए वो उसका परस्यू यानी कि उसका ताकुब किया कर रहा होता है। तो ऐसे में जो ना बच्ची एजुकेट ना होने की वजह से उसकी उसके शिकार हो जाती है, यानी कि कई ऐसे फ्रेंडली ले जाकर जो ना बच्चियों को रेप कर देते हैं, और वो इज्जत के मारे जो ना वो बोल भी नहीं पाते। तो फ्री सोसाइटी का मतलब ये नहीं कि औरत आज तक अपना हक पहचानने से की, मैं औरत के फेवर में बात कर रहा हूँ कि खुदा हो या जो ना जनरल जो ना लाज हो, औरत अपने हक को नहीं पहचान रही। यानी कि खुदा अगर दे रहा है कि जो ना उसको सेपरेशन फ्रीडम, सेपरेशन का फ्रीडम दे रहा है, तो उसको जो ना ये मौलवी जो ना जो भी हैं एक नैरो माइंडेड, उसको हलाला बना लेते हैं, और औरत जो ना ये हलाला नहीं है, ये जो है सेपरेशन का फ्रीडम है, तो औरत साबित क्यों नहीं करती? और दूसरी बात है कि आयत में यानी कि औरत को मारो, तो मैं नहीं समझता कि जो ना औरत मारने से जो ना सीधी हो जाती। उस आयत का मतलब मैं जो ना तंबीह करने के लिए लेता हूँ, क्योंकि वहां पे बहुत सी आयत हैं वज्री जरबा के माने, उनको उनके सामने मिसाल ठोक दो, तो मिसाल ठोक देने की बात हो रही, उनके सामने मिसाल मिसाल बयान कर दो, मिसाल बयान कर दो वो आप कह रहे हैं ना कि दराबा का मतलब जो है वो मिसाल दे दो इस तरह से बोल के। मिसाल नहीं बयान कर दो, बयान करने में आ रहा है। ये तो न्याय कोई मतलब आपने निकाल लिया है, और नया आप मतलब कह रहे नहीं, हैं ये कुरान की इंटरप्रिटेशन की बहुत से कि मुफस्सरीन की भी गलती हो यूनिवर्सल सकती ब्यूटी, है। यूनिवर्सल ब्यूटी आप कह रहे हैं कि खुला की इतनी आसानी से इजाजत नहीं है तो ये औरत सोसाइटी, के। ये मुल्ला, ये मौलवी बनाए भाई, आपका खुला की जो ना कुरान राइट है। कहता है नहीं, ये देखो सोसाइटी देखो, किस तरह से बन अरे रही है आपकी सोसाइटी? एक मेरा सेकेंड पॉइंट कंप्लीट होने दें प्लीज। मैं औरत के फेवर में उसके हुकूक की बात कर रहा हूँ, आप उसको जो ना काट रही हैं। जी, करें करें अगर आप कंप्लीट करें जी। मैं आप मुझे काट क्यों रही हैं? नहीं, आप आप करें ना, उसके पूरी करें माने बात। जाना, आप उसके माने मारने के निकाल दीजिए, वहां तंबीह करने के हैं। पहला जो केस है वो ये है कि जो ना अगर औरत जो ना कुछ, मर्द भी नाफरमानी कर सकता है, औरत एक भी सेकेंड, नाफरमानी कर एक सकती है। सेकेंड भाईजान, एक सेकेंड। आपको जी जितनी अरबी आती है ना, हमारे जिनसे हाँ हम अरबी का डिस्कस करते हैं वो इब्ने मरियम है, और इब्ने मरियम में डिटेल से वो अरबी, तो बाकायदा मतलब अरबी जानते हैं और आपसे ज्यादा जानते हैं, ये 100% गारंटी है। वो कहते हैं इसका मतलब मारना है। अब आप बताएं, मैं उनकी बात मानूं जो सऊदी अरब में रहे, अरबी पढ़ते रहे, मैं पढ़ाते रहे, मैं लॉजिकल आपकी बात समझा रहा हूं मानूं ना, मैं क्या? लॉजिकली आपको ये मैं लॉजिक बताना नहीं, चाह रहा ये हूं कि उसके लॉजिकल माने बात है। मारने के नहीं ओ होते। एक नहीं, सेकेंड, उसके एक सेकेंड, मारने के आप माने मान ही लिया है कि चलो, कैसे आपके नजदीक वो उसके मारने माने के मारने नहीं के होते नहीं बताना है। चाह रहा हूं मैं, हम कैसे भाई साहब मारने के नहीं आराम से बात होते, करें, आराम से वन बाय मान वन लिया, मैं बताना चाह रहा मान हूं। लिया।
इनको बात कर लेने दो, आपके पास 1 मिनट है प्लीज, आप अपनी बात कंप्लीट करें फिर हम जवाब देंगे। चले बोलिए आप जी। ठीक है, तो वहां पे जब कोई जो ना इख्तलाफ पैदा हो जाता है शोहर बीवी में, तो वहां पे सेपरेशन के वक्त भी वो अल्लाह का फरमाबरदार होना चाहिए और शादी के बाद खुशी के वक्त भी जो ना वो अल्लाह का फरमाबरदार होना चाहिए। और अल्लाह का फरमान ये है कि उसको हर्ट ना करे, उसको तकलीफ ना दे, और अल्लाह का फरमान ही ये है कि जो ना ऑर्डर मेंटेन करे। जब दो लोगों के दरमियान ऑर्डर मेंटेन होता है तो वो पूरी सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन होता है। तो खानदान जो ना वो सोसाइटी का यूनिट है, तो जब यूनिट ही में ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सक रहे तो सोसाइटी कैसे जो ना ऑर्डरली जो ना आएगी। तो ठीक है, आपने 2 मिनट बोल लिया, आप बात आ गया। ओके 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 ओके, अब आपकी सुन ली ना, देखिए आप बोलते रहेंगे, अब आप कितने आपने पॉइंट्स किए उसके बीच में हमको जवाब तो देने देना, आपने कितनी सारी चीजों पे बात कर ली, अब हमको भी तो उसको काउंटर करने दे। आप तो 1 घंटा बोलते रहेंगे। पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि मैं एक पॉइंट कर देती हूं फिर आप लोग इनको जवाब देना, कि आपकी सोसाइटी, आपके जो इस्लामिक सोसाइटी चल रही है वो तो है ही, आ ही कुरान से है, वो तो है ही इस्लामिक बेस्ड सोसाइटी आपकी। आपकी सोसाइटी में औरत को कुरान में कहा गया है कि वो घर पे है और मर्द को उस पर फजीलत हासिल है, क्योंकि मर्द कमा के ला रहा है तो मर्द उसके साथ कुछ भी कर सकता है। सेकेंडली, आपके कुरान में कोई कंसेंट की इजाजत की कोई जरूरत ही नहीं है, मर्द जो है वो अपनी उसकी बीवी है वो जब कहेगा, ये खुद लिखा हुआ है पता नहीं आयत में या हदीस में है, कि औरत अगर ऊंट पे चढ़ के बच्चा भी पैदा कर रही होगी और तुम्हारा मर्द तुमसे कहेगा कि मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है, तो वो अवेलेबल हो अपने मर्द के लिए, बच्चा पैदा करना रोक ले मगर वो अवेलेबल हो अपने मर्द के लिए। अब आप लोग ऐड कर दो इसमें। थैंक यू। आई थिंक सुल्तान वाज मेकिंग सम पॉइंट। या हां, आप ये कह रहे हैं कि आप ये मानते हैं कि औरत को नहीं मारना चाहिए, उसमें तन्बीह का कहा गया, मगर आप उन उलमाए कराम का क्या करेंगे जो इसकी इंटरप्रिटेशन ये करते हैं कि औरत को मारा जा सकता है। आप हमसे तो आके बहस कर लेंगे, आप हमें तो समझा देंगे, मगर वो लोग जो इस चीज को मान के अपनी बीवियों पे हाथ उठाते हैं, उनका आपके पास क्या हाल है, उनको आप कैसे रोकेंगे? मैं एक खाजी से इस बात पे बहस भी कर लिया कि एक औरत जो है ना खुला चाहती थी, लेकिन जिस तरह मर्द जो ना सेपरेशन के लिए तलाक बोलता है, तो औरत के लिए एक राइट एंड पावर है कि वो खुला से खुला आने के सेपरेट हो जाए, और विदाउट एनी रीजन, रीजन भी बताने की जरूरत नहीं औरत होने के नाते कि ये वजह से मैं खुला दे रही हूँ, मैं उसको से सेपरेट होना चाह रही हूँ। तो वहां पे मैं खाजी से ये बहस कर लिया कि वो ये बोलता है कि जो ना मर्द की इजाजत के बाद ही खुला यानी कि औरत वो सेपरेट हो सकती है, तो मैं उससे बहस कर लिया कि जो ना ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है, यहां तक कि सेपरेशन के बाद भी जो जो बच्चे होते हैं वो बच्चों को भी किसी वजह से तकलीफ ना हो, ना बाप की तरफ से ना माँ की तरफ से तकलीफ हो, बल्कि बच्चे बिल्कुल सिक्योर तरीके से उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी एजुकेशन है, वो जारी रहे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। यानी कि दोनों के सेपरेशन का मतलब ये नहीं कि सेपरेशन होते वक्त जो ना लड़ाई लड़ लें और जब शादी करते वक्त जो ना बड़े आराम से खुशी खुशी शादी कर लें, दो औकात में भी वो ऑर्डर मेंटेन करें और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जब शादी करें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेपरेट भी हो जाएं। वहां पे मारने की बात नहीं है। आपकी बात मैं सही है, मगर मेरे कहने का मकसद है कि आप एक बंदे को, चलो आप तो एक काजी से लड़ाई कर ली, अब इंटरनेट पे हजारों ऐसे मौलवी मौजूद हैं जो इस तरह की बात करते हैं। दूसरा, आपने कहा कि आप सोसाइटी को, औरतों को हक दिया गया है वो अलग रह के पर्दे में रह के या जिस तरह भी, औरतों मर्दों को उनकी औरतों की हिफाजत के लिए उन्हें अलग किया गया। मैं अलग नहीं होना चाहती, मैं एक ऐसे माशरे में हूँ जहाँ मुझे आजादी हासिल है, मैं सांस ले सकती हूँ, मैं बाहर जा सकती हूँ, मैं कमा सकती हूँ, मैं अपने अखराजात खुद उठा सकती हूँ, मुझे किसी मर्द की मोहताजी नहीं है। मगर आप ये क्यों सोचते हैं कि एक औरत के साथ जो कुछ गलत हो रहा है उसकी जिम्मेदारी औरत पे ही आती है कि वो अपने, अगर उसने उसके साथ गलत हो रहा है तो उसमें वजह औरत ही की क्यों तलाश की जाती है कि उसका पर्दा ठीक नहीं होगा, वो मर्दों के साथ जा रही है, वो ये करिए। यही अभी माली थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि नूर मुकद्दम का जो केस हुआ, जिस लड़की को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, कि उसको सिर्फ इस वजह से कि वो, क्योंकि वो उस लड़की के घर पे थी, कि उस वजह से उसे कत्ल कर दिया जाए, उसे मार दिया जाए। आप मसला यहाँ पे ये आता है कि मैं एक इंसान होने के नाते
अपने जिंदगी के फैसले खुद करने का हक रखते हैं। अगर मुझे कोई कह रहा है कि मैं कम अकल हूं, मुझे अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इस इतनी अकल नहीं रखती या मैं इस काबिल नहीं? औरत मर्द से भी ज्यादा अकल रखती है, मैं साबित कर दिया। तो तो फिर आधी गवाही क्यों है? आधी गवाही इसलिए कि औरत पर जुल्म ना हो फ्यूचर में कि वो मेरे खिलाफ गवाही दी है, आप ये क्यों समझते हैं औरत पे जुल्म होगा? अगर माशरे में इस तरह के जुल्म होंगे तो औरत पे क्यों क्योंकि होगा भाई? मर्द उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। अगर औरत स्ट्रांग आधी है तो गवाही से ओके, क्या नो प्रॉब्लम। मतलब आपका? ये आधी गवाही वाला तो बात मिली, इससे मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ इससे रही यूनिवर्सल ताल्लुक ब्यूटी क्या की। हुआ? देखें देखें आपके इसमें ये भी है कि जब औरत का रेप हो तो उसको चार गवाह लेकर आने हैं। मुझे एक बात बताएं आप कि कौन सी औरत जो है नहीं, वहां पे कहेगी मैं चार गवाह रखवा के अपना रेप करवाती हूँ? आधी वह रेप गवाही, आधा गवाह हिस्सा और आधा जाति दिमाग औरत को हमेशा से आधा दिखाया गया है कि मर्द जो है वो ज्यादा ताकतवर है और औरत को उसके नीचे दबके रहना है। ये आपकी सोसाइटी सिखाती है हमको, ये आपका रिलीजन भी सिखाता है, तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आप इसको जितने भी जलेबी की तरह घुमाओ फिराओ, दिस इज द वे इट इज। और ये हो रहा है, आपके नहीं, साथ ही हो रहा है। चले भी नहीं। मैं जो ना ये हालात देखा हूँ, करीब से देखा हूँ। मैं तो ना औरत के फेवर में अगर बात करूँ तो मैं जलेबी बोल रहे हैं आप। आप औरत के फेवर में बात नहीं कर रहे हैं, आप सर कहीं आपको से लग भी रहा है औरत के फेवर आपके में नहीं कर रहे हैं, वही तो बात है। आप लोग देखिए, आप मर्द हजरात औरतों के हकूक के लिए खड़े होकर औरतों को बताते हैं कि भैया आपको क्या चाहिए, आप मेरे हकूक, आपको क्या पता कि मैं मुझे क्या चाहिए? आपको क्या पता मुझे क्या चाहिए? आपको नहीं पता कि बिल्कुल सुल्तान को नहीं, क्या चाहिए, आपको नहीं पता लबेल को क्या चाहिए, यहाँ पे किसी मर्द ठीक को है नहीं ठीक पता हमें क्या चाहिए, मगर डिसाइड हमारे हुकूक और सारी चीजें मर्द कर रहे होते हैं। क्यों? वो आप तय करना चाहिए। सर हाँ, अभी तो हमें मुझे करना समझ है में ना फिर। आती है यूनिवर्सल ब्यूटी के, आपने सलीम भाई के चैनल पे बोला था आप एथियस्ट हैं, तो अगर आप खेल रहे हैं हमसे और आप खुद वाकई नहीं समझते तो प्लीज बता दें यार, ताकि हम दूसरे कॉलर से बात कर लें। नहीं, अगर आप बात नहीं करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं। नहीं, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने बोला है किसी चैनल पर आप एथियस्ट हो और आप फिर कुरान को डिफेंड भी करो, तो बता दो आप हो क्या। किस चैनल पे बोला मैं एथियस्ट हूँ? एक चैनल है। मैं एथियस्ट नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, सही है।